हिमाचल प्रदेश की अधिकतर आबादी हम ये कहें तो किसानों बागवानों पर निर्भर है और आर्थिकी भी इसी पर ही निर्भर है। और हिमाचल प्रदेश में इन दिनों विधानसभा सत्र चला हुआ है, बजट पर चर्चाएं आए दिन चल रही हैं और ऐसे में कभी कभी अपनी ही सरकार के विरुद्ध जाकर किसानों और बागवानों से जुड़े मुद्दों को बेबाकी से उठाना और उनकी समस्याओं का समाधान किस तरीके से किया जाए, बेहतरीन तरीके से जो कर रहे हैं, आज हम उनसे बातचीत करेंगे। आप तस्वीरों में हमारे साथ देख रहे हैं, ठियोग विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप राठौर जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना इस टाइम, जो कि अभी बजट सत्र चला हुआ है, और अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कुलदीप जी, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है वो सेब बाहुल क्षेत्र है और ऐसे में चुने हुए विधायक आप हैं, बड़ी सारी उम्मीदें, बड़ी सारी आशाएं आपके क्षेत्र से जुड़े किसानों बागवानों को आपके ऊपर हैं। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या इस बजट सत्र में किसानों और बागवानों के लिए प्रदेश सरकार कुछ हितकारी लेकर आई है? नहीं, निश्चित रूप से लाई। देखिए, सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जो बागवानों और किसानों के हित में। और कल जब मैं बजट पे बोल रहा था तो मैंने इस बात का भी जिक्र किया और सरकार की भी मैंने प्रशंसा की। ये बात ज़रूर है कि कई बार थोड़ा तलख हो जाता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूँ जहाँ रोजी रोटी का साधन सेब। निश्चित तौर पे जहाँ मुझे लगेगा कि बागवानों की आवाज़ को मुझे उठाना है तो उसके साथ मैं समझौता नहीं करूँगा। लेकिन दो अहम फैसले जो है कांग्रेस सरकार ने लिए हैं। गत वर्ष आपने देखा कि जो बरसों से मांग चली आ रही थी, और मैंने इस मुद्दे को विधानसभा में बड़ी प्रमुखता से उठाया कि वेट के हिसाब से सेब जो है बिकना चाहिए, और सरकार ने वो बात मानी और वेट के हिसाब से सेब बिकना शुरू हुआ। थोड़ी समस्या इसलिए आ रही थी कि जो टेलीस्कोपिक कार्टन है वो प्रचलन में था। अब उसमें तो कोई सीमा नहीं है, आप 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, 38 किलो तक आप जो है उसमें भेज सकते हो। उससे नुकसान हो रहा था, किसानों और बागवानों का बड़ा शोषण हो रहा था, क्योंकि दाम जो है पेटी के वेट के हिसाब से मिलते थे। और बहुत अच्छा फैसला अभी सरकार ने लिया, और मैं मुख्यमंत्री जी का भी और बागवानी मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अभी बजट में घोषणा हुई। और यूनिवर्सल कार्टन जो बहुत पुरानी मांग थी, मैं यहाँ ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि जब श्रीमती विद्या स्टोक्स जी बागवानी मंत्री थी लगभग 11 वर्ष पूर्व, तो उन्होंने इस दिशा में प्रयास भी किया था। और एक जो है यूनिवर्सल कार्टन, एक बॉक्स उन्होंने डिज़ाइन किया मुंबई की फर्म से, और लगभग 10 लाख का सरकार का खर्चा आया था, लेकिन वो किसी कारण नहीं हो पाया। इस सत्र में जो है घोषणा हुई है, और इस साल से जो है यूनिवर्सल कार्टन जो है प्रचलन में आ रहा है, और इसका फायदा किसानों और बागवानों को होने वाला है, और मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक फैसला। जी, वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश की सरकार की बात करें, तो एक साल से ज़्यादा का समय जो है वो कांग्रेस की सरकार को हो गया है। आपको क्या लगता है, पिछले एक वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस सरकार का कैसा रहा है, खासकर किसानों और बागवानों के लिए? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार बनने के बाद हमने सरकना ही शुरू किया था। और कहते हैं कि हम जब चलने की स्थिति में आते तो सिर मुंडाते ही उल्ले पड़े। इतनी बड़ी आपदा प्रदेश में आई, और हम लोगों ने भी अपने जीवन काल में इतनी बड़ी आपदा नहीं देखी। पूरे प्रदेश में जो है हमारी बहुत सारी जगह पे हमारी सड़कें टूट गई, हमारे मकान तबाह हो, और हमारा जो अपना क्षेत्र है वहाँ भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सेब का सीज़न बिल्कुल जो है दहलीज पे था, चिंता इस बात की थी कि हम अपना सेब मार्केट तक
कैसे पहुँचाएँ, क्योंकि हमारे जो बागवान हैं पूरी साल मेहनत करते हैं, ये आशा होती है कि जब हमारा सेब मार्केट में जाके बिकेगा तो हमारे पूरे साल का खर्चा चलेगा। और बहुत दिक्कत आई, लेकिन सरकार ने, हम सब लोगों ने एक मजबूत प्रयास किया और हमने तमाम सड़कें खोली, जो PWD विभाग के अंतर्गत सड़कें थी वो भी हमने खोली, और जो पंचायतों की सड़कें थी, पहली बार हुआ कि सरकार ने उन रोड को खोलने के लिए भी पैसा दिया। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि हमारा एक सेब का दाना घर में नहीं रहा, पूरा का पूरा सेब हमारा जो है मार्केट में पहुंचा। और जो आपदा में इतना बड़ा हमारा जो नुकसान हुआ उसके लिए भी सरकार ने जख्मों पे मलहम लगाने का पूरा प्रयास किया। जो आंशिक रूप से मकान नष्ट हुए, पहले 7,000 की राशि थी, बढ़ाकर 1,00,000 किया, और जिनके मकान पूर्णतया नष्ट हुए उस राशि को भी 1,00,000 से बढ़ाकर 7,00,000 किया, और ये पैसा उनको मिल गया। और खासकर ऐसे समय जब प्रदेश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, इसलिए सरकार हम पे इतना कर्जा छोड़ के गई है, और हमें जो केंद्र से जिस मदद की हमें दरकार थी वो मदद हमें जो है नहीं मिल पाई। बिल्कुल राठौर जी, आपने ये बात कही कि जो एक तरह से उम्मीद थी केंद्र सरकार पर कि हमें कुछ विशेष राहत पैकेज केंद्र सरकार देगी, तो वो नहीं दी, उसके लिए आपने सदन में भी जो है ये प्रश्न उठाया और उनसे श्वेत पत्र की यहाँ पर मांग की। जी बिल्कुल, पिछले कल जो है विधानसभा में मैंने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। अब बहस एक बात पे हो रही, भाजपा जो है वो ये कह रही है, जो उनके नेता केंद्रीय नेता शिमला आते हैं वो ये बात कहते हैं, और हमारे जो भाजपा के विधायक हैं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो भी ये बात कहते हैं कि केंद्र ने बड़ी उदार मदद की है। मैं ये नहीं कहता मदद नहीं की, लेकिन जो मदद हुई है वो बिल्कुल कम है, वो नाकाफ़ी है, ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। जब विधानसभा सत्र चल रहा था, पिछली बार की मैं बात कहना चाहता हूँ, मैंने सदन में एक बात कही, मैंने प्रतिपक्ष के नेता ठाकुर जयराम जी से भी कहा, मैंने अपने मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि आप दोनों और हिमाचल के जो और सांसद हैं, हमारी भी एक सांसद है हमारी पार्टी की, हमारी जो पार्टी की अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह जी, कि आप लोग मिलकर प्रधानमंत्री जी के पास जाइए और राष्ट्रीय आपदा जो है घोषित कर। लेकिन वो नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं उस पर राजनीति हुई। आपने देखा होगा कि जब उत्तराखंड पर गहर वर्षा, वहाँ मदद हुई, उत्तरी पूर्वी राज्यों में मदद हुई, वो अच्छी बात है। मैंने तो विधानसभा में एक बात कही कि हमारा हक बनता है, क्योंकि हिमाचल का देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। जब जब भी हमारी सीमाओं का अतिक्रमण हुआ है, हमारे प्रदेश के जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आज जो पर्यावरण है हम सुरक्षा करते हैं, आज अगर हमारे यहाँ वन सुरक्षित है तभी तो पर्यावरण बचेगा, तो हमारा हक बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो बात जो है सिरे नहीं चढ़े। मैंने ये बात कही कि आप जो है कहते हैं कि मदद हुई, 10,000 करोड़ का जो है प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया, हम कहते हैं कि 10 वर्ष हम पीछे चलेंगे, इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं है, हमारे प्रतिपक्ष के साथी हैं वो भी ये बात मानते हैं। अब जो पैसा दिल्ली से आया है, वो जो केंद्र नीति योजनाएं सेंटर स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स हैं उसमें भी पैसा आता है, मुझे लगता है उस पैसे को जोड़ा जा रहा है। इस विवाद को ख़त्म करने का केवल मात्र एक तरीका है कि केंद्र सरकार श्वेत पत्र लेके आए कि कितना पैसा जो है राहत में दिए, तो पटक शेप हो जाएगा। जी लगातार भाजपा जो है वो कांग्रेस पर हमलावर है और आए दिन केवल गारंटियों को लेकर ही जो है वो वाद विवाद हम विधानसभा सत्र में भी देखते हैं, और इसमें ही एक प्रमुख हम यहाँ पर ये कहना चाहेंगे क्योंकि आप किसान और बागवान जहाँ पर बहुत ज्यादा हैं उस क्षेत्र के आप विधायक हैं, हाल ही में कांग्रेस ने जो है वो दूध की एक गारंटी दी थी कि गाय का दूध और भैंस का दूध हम 100 रुपये प्रति लीटर हिसाब से खरीदेंगे, लेकिन अभी जो ये 40 रुपये बढ़ाया है तो इस पर भाजपा लगातार हमलावर है।
आप उसी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, किसानों और बागवानों की इस विषय पर क्या राय है और आप बतौर विधायक आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? देखिए, सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। अब जो पिछली हमारी सरकार है, जो किसानों को सब्सिडी मिलती थी, हमारे जो जो फंजासाइड है, पेस्टासाइड है, वो ख़त्म हो गई थी और सत्ता में आने के बाद हमारी सरकार ने शुरू किया। और मैंने भी ये मुद्दा विधानसभा में बड़ी प्रमुखता से उठाया, मैंने भी ये बात कही कि जो बहुत सारे बागवान मेरे पास आते थे कि जो दवाइयाँ जो है सरकार देती है वो जो है प्रभावी नहीं है, वो बड़ी निम्न गुणवत्ता की है। मैंने भी ये बात कही कि उच्च गुणवत्ता की दवाइयाँ होनी चाहिए और गत वर्ष जो है अच्छी क्वालिटी की, अच्छी कंपनियों की दवाइयाँ जो है किसानों को मिली और सब्सिडी भाव की। ये भी बहुत बड़ा कदम है। तो मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि जो केंद्र की सरकार, केंद्र में भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों से एक वायदा किया था कि हम आय दुगनी करेंगे। आय तो दुगनी हुई, उल्टा जो है जो सब्सिडी है वो ख़त्म कर दी। और यहाँ एक मुद्दा और भी प्रमुख है कि हमारा हमसे एक वायदा किया था कि जो आयात शुल्क है, जो विदेशों से सेब आता है, उसे जो है 100% करेंगे, 50% था, लेकिन वो तो पूरा नहीं हुआ। उल्टा क्या हुआ कि 50% को 30% कर दिया। उससे हमारे बागवानी को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है, क्योंकि आज बागवानी में ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पा रहा, क्योंकि लागत लगातार बढ़ रही है और मुनाफा कम हो रहा है। इसलिए केंद्र सरकार की मदद की ज़रूरत थी, लेकिन सरकार ने हमारी मदद नहीं की। सरकार से ही, कांग्रेस सरकार से ही पूछ रही है किसान और बागवान, क्योंकि भाजपा नेताओं का ये कहना है कि किसान और बागवान ये पूछ रहे हैं कि सरकार कब खरीदेगी दूध 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। ये किसानों का एक सवाल जो है। देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, तो आने वाले वक्त में मुझे विश्वास है कि इस पे निश्चित तौर पे अमल होगा। जी, किसानों और बागवानों की हम बार बार लगातार बात कर रहे हैं क्योंकि वो आपके बाहुल क्षेत्र सेब और बागवान यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं। और अभी हाल ही में अफगानिस्तान के रास्ते जो है वो सेब आ रहा है, कि आपको क्या लगता है कि इसका कितना प्रभाव हिमाचल प्रदेश के जो किसान हैं या बागवान हैं, सेब बागवान हैं खासकर, उन पर पड़ने वाला है? और इसको लेकर बतौर विधायक आप सदन में क्या इस पर बात रखने वाले हैं? आपने बहुत अहम सवाल पूछा, ये बहुत चिंता का विषय। पिछले दिनों मैंने प्रेस वार्ता भी की, मैंने इस मुद्दे को उठाया और अभी विधानसभा में मैंने जो है प्रश्न पूछा और शायद एक दो दिन में वो प्रश्न जो है लगने वाला। देखिए, अफगानिस्तान के साथ हमारी संधि, हमारा कोई सामान वहाँ जाता है उस पर टैक्स नहीं लगता, वहाँ से भी कोई वस्तु अगर हमारे देश में आती उस पर टैक्स नहीं लगता। इसका फायदा जो है कुछ लोग उठा रहे, मैंने कहीं मिली भगत है। अवैध रूप से जो ईरान का सेब है वो अफगानिस्तान के रास्ते आ रहा है, और हम सब लोग जानते हैं कि जो अफगानिस्तान है वो ड्राई फ्रूट्स के लिए मशहूर है, वहाँ सेब बहुत कम होता है। इतना सेब अफगानिस्तान से आ रहा है, कोई पाबंदी नहीं। उसका नुकसान क्या हो रहा है कि अभी हमारे जो बागवान है, किसान है, वो कोल्ड स्टोरेज में सेब रखते हैं कि जब ऑफ सीजन होगा तो उसे मार्केट में निकालेंगे, और क्योंकि मार्केट में सेब नहीं होता। लेकिन इस बार उल्टा हुआ, सेब जब उन्होंने बाहर निकाले दाम बिल्कुल गिर गए, क्योंकि अफगानिस्तान के रास्ते ईरान का सेब हमारे देश में पहुंच चुका था। अगर इस तरह की स्थिति रही आने वाले समय में, तो हमारी जो अर्थ की है, हमारी 5,000 करोड़ से ज़्यादा की अर्थ की। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कोविड के समय जब सारे सेक्टर नीचे जा रहे थे, केवल एक बागवानी एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ मुनाफा हो। आज बागवानों को बचाने की ज़रूरत है, तो मैं ये मामला जो है विधानसभा में उठाने वाला। अब बात करेंगे आपके अपने विधानसभा क्षेत्र की। अगर राठौर जी की बात करें तो एक वर्ष के कार्यकाल में राठौर जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या कार्य किए हैं, और आगामी आपको क्या लगता है कि ये कार्य अभी जो है वो पेंडिंग है और इसको भी हम मुझे जो है वो पूरा करना है?
देखिए वैसे मुझे लगता है कि अगर आप मेरे क्षेत्र की जनता से पूछो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन आपने मुझसे पूछा और विधायक होने के नाते मेरा बनता है कि मैं क्या एक वर्ष में क्या काम किए। और आप जानते हैं सबसे पहले तो हमने जो है, जैसा मैंने कहा कि हमारा जो सेब है वो मार्केट तक पहुंचा जब आपदा है, क्योंकि उस वक्त ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और 5 वर्षों से हमारे काम बिल्कुल बंद पड़े थे। हमारी एक कुरपन पेयजल योजना, बहुत महत्वाकांक्षी योजना, श्रीमती विद्या स्टोक जी, श्री वीरभद्र सिंह जी के समय की वो योजना थी, लेकिन उस पर काम नहीं हो पाया। मैंने विधायक बनने के बाद निरंतर उस पर निगाह रखी, खुद जाकर मैं जहाँ से वो पेयजल योजना का जो उद्गम स्थान है वहाँ पहुँचा, और हमारे अधिकारियों ने भी जो है पूरी तवज्जो दी, दिन रात काम चल रहा। और वो इतनी बड़ी योजना है कि हमारे ठेव क्षेत्र की लगभग आधी से ज़्यादा पंचायतों को उस पेयजल योजना का फायदा होगा, तो उस पर तेज़ी से काम चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इस साल जो है हम उस पानी को ठेव क्षेत्र में जो है हर नल तक पहुंचाने में सफल होंगे। दूसरा हमारा ठेव बाईपास बड़े सालों से काम चल रहा था, बड़ी धीमी गति से चल रहा था, उस काम में तेज़ी आई और अभी वो बाईपास बन के तैयार है। और अभी हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी 18 परसों आ रहे हैं, नहीं वो हमारी 28 तारीख को आ रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहेंगे और PWD मंत्री भी रहेंगे उस दिन। हालांकि वो अभी चल रहा है, ट्रैफिक शुरू हो गया, लेकिन विधिवत तौर पे लोकार्पण जो है 28 तारीख को उसका किया जाएगा। ये भी बहुत बड़ा काम हुआ। और उसके अलावा अभी हमारे नारकंडा, आप जानते हैं, पर्यटक स्थल, और मेरा ये मानना है कि हम हिमाचल में, खासकर हमारे क्षेत्र में, रोजी रोटी के दो साधन हैं, एक हमारा हॉर्टिकल्चर, दूसरा हमारा टूरिज्म, दोनों को हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। तो काफ़ी कोई लगभग 17 वर्ष पहले स्केटिंग रिंक की सोच बनी थी, लेकिन वो स्वीकृत नहीं हो पाए, वो कागज़ों में उलझ के रह गए। और मैंने विधायक बनने के बाद प्राथमिकता से काम किया और खुद शिलान्यास किए। जब वो बनेगा वो अपनी तरह का अलग होगा और उससे हम देश विदेश से जो हमारे पर्यटक हैं आकर्षित कर पाएंगे और पूरे क्षेत्र को फायदा होगा। और मैं ये देख रहा हूँ कि अपने क्षेत्र में हमें टूरिज़्म को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि काफ़ी हमारे जो होम स्टे चल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारा इतना खूबसूरत क्षेत्र है कि जो बाहर से पर्यटक आते हैं लोगों के घरों में रहें, ताकि लोगों की आजीविका का भी साधन बने। उसके अलावा ये तो कहीं स्कूल में भी स्टाफ की प्रॉब्लम है, अस्पतालों में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि 5 वर्षों से नियुक्तियां नहीं हो गई। मैं ये बात समझ रहा हूँ कि मैं जाता हूँ, लोग मुझे कहते हैं तो अभी सरकार भर्ती कर रही है, नए शिक्षक भर्ती हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों की भी भर्ती हो रही है। तो आने वाले समय में तरक्की की रफ्तार बंद पड़ी थी, उस रफ्तार को मैंने जो है शुरू किया अपने क्षेत्र जी। ऐसे ही कई अन्य विषयों के साथ हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे, बातचीत करेंगे। फिलहाल आज के लिए आपने हमें बहुत ही कीमती अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हमने बातचीत की कुलदीप राठौर से, जो कि हमेशा ही जो जनहित के, चाहे वो कार्य हैं या सेब या बागवानों से जुड़े हुए कार्य हैं, अपने ही सरकार के खिलाफ भी कभी कभी चले जाते हैं और बिल्कुल बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। तो ऐसी ही जानकारियों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सिटी चैनल के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।